फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजलिंग दिव्या। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने घर पर अपने बालों में हाईलाइट कैसे करोगे। तो फर्स्ट तो मैं अपने बालों पे तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उन्हें अपने बालों में हाईलाइट कराना था, तो मैंने उनके बालों में हाईलाइट किया हुआ है। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ कि आप अपने घर पर अगर करना चाहते हो तो आप अपने घर पर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सो मैं यहाँ पर स्ट्रिक्स का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको डेवलपर एंड ब्लॉन्डर पाउडर मिलता है और साथ में कलर भी मिलता है, हेयर कलर तो, और साथ में आपको कंडीशनर भी मिलता है। मैं यहाँ पर डेवलपर एंड ब्लॉन्डर पाउडर को अच्छे से एक बाउल में कलर करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपको थोड़ा थोड़ा ब्लॉन्डर पाउडर इसमें मिक्स करते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपको फॉइल पेपर लेना है। मैं यहाँ पर अपने क्राउन एरिया के बालों को अच्छी तरीके से, जैसे जूड़ा बनाते हैं उस तरीके से टक कर लूँगी। आप देख सकते हो इसे बिल्कुल बराबर से हमें अपने बालों को निकालना है और अच्छी तरीके से जूड़े के जैसे टक कर लेना है। इसके बाद मैं अपने बालों से 3 सेक्शंस निकालूंगी हाईलाइट करने के लिए। मैंने अपने बालों से 3 सेक्शंस निकाले हैं और अब मैं इसके नीचे फॉइल पेपर जो मैंने कट करके रखा हुआ था वो लूँगी। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फॉइल पेपर जब अपने बालों की लेयर के नीचे लगाएंगे तो आप फॉइल पेपर में भी थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए, हाइलाइटर क्रीम लगा लीजिए, ताकि वो आपकी जो 3 लेयर्स निकाली हैं बालों की वो अच्छे से उस पर स्टिक कर जाए। देन आपको ब्रश लेना है और जो क्रीम हमने मिक्स करके रखी हुई थी आपको उन्हीं 3 लेयर्स में अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरीके से आपके बालों में लग जाए, इसलिए आपको इसे ब्रश से लगाकर चेक करते रहना है कि ये अच्छे से लगा है या नहीं। मैं एक्चुअली मैं अपने बालों में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आप किसी भी केमिकल का अपने बालों में यूज़ ना किए करें, क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले थोड़ा सा मैं बीमार हो गई थी जिस वजह से मुझे काफ़ी हेयर फॉल हुआ। तो केमिकल तो होता ही है, आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने बालों में नहीं, मेरी फ्रेंड है उनके बालों में मैं हाईलाइटर करके आपको दिखा रही हूँ। सो इस तरीके से आप अपने बालों में हाईलाइटर कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे रैप कर दूँगी 15 मिनट्स के लिए। आपको इसे अपने बालों में रखना है। आप देख सकते हो मैंने बालों में हाईलाइट कर दिया और ये है उसका फाइनल लुक, आप देख सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।